अभी भी भीड़ के ऊपर 10-20 मिसाइल गिरा देना चाहिए जी जी, और वहां पर तब हिंदू बचेगा। नहीं, अगर बांग्लादेश में 1 करोड़ हिंदू बचा है, 1 करोड़ बचा, फिर भारत में क्यों नहीं लेते उन्हें? जी जी जी, उन्हें भारत में ले लीजिए, तुम्हें मुसलमानों से ज्यादा प्रेम है, उन्हें दे दिए। भारत में लगभग आधा भारत जी मुस्लिम हो चुका है जी जी, मुस्लिम। और ये गद्दार जो बैठे हुए हैं ना, ये पार्टियों वाले विपक्ष से कहते हैं, विपक्ष माने महागद्दार जी जी, महादेशद्रोही, हिंदुओं का शत्रु। हिंदुओं को सोचना चाहिए, इन विपक्ष के विषय में हिंदुओं को सोचना चाहिए, ये हिंदू का चोला उड़ाए हुए कट्टर मुसलमान है जी जी। तो इस समय मोदी के लिए मैं फिर कहता हूँ, आगे आना है, आगे कुछ करना है, पार्टी को जीवित रखना है और अपनी साख बचाना है, तो बांग्लादेश में आक्रमण कर देना चाहिए जी, तत्काल आक्रमण कर देना चाहिए जी जी। ये प्रभात की बेला है, ये जगने की बेला है, ये उठने की बेला है, ये समय के परिवर्तन की बेला है। आज हम भक्ति के साथ अपने शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं, अपने शक्ति को नहीं दिखाते हैं, तो हमारी भक्ति का कोई मोल नहीं रह जाएगा। आज जिस तरह से बांग्लादेश में हालात बने हुए हैं, जिस तरह से बांग्लादेश में स्थितियां बनी हुई है, उससे ऐसा लग रहा है कि सनातन संकट में है, खतरे में है। आज फिर वृंदावन मार्ग पर हम हैं, पूज्य महाराज जी, दंडी स्वामी महाराज जी हमारे साथ में हैं। तमाम प्रश्नों का हल महाराज जी से मिलता है, तमाम जो शंकाएं मन में रहती हैं, तमाम तरह की जो शंकाएं रहती हैं, उन सब का पटाक्षेप पूज्य महाराज जी करते हैं। आज महाराज जी से देश के, मानवता के लिए सबसे बड़ा जो संकट खतरे में पड़ रहा, उसके बारे में बातचीत करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे इसका हल निकलेगा, क्या हम सबको करना है, क्या रास्ता निकालना है। जब बड़े बड़े असुरों ने जब धरती को कपाया, तो विश्वामित्र निकले राम जी को लेकर, लक्ष्मण जी को लेकर, इस धरती को बचाने के लिए। तो ऐसे ही पूज्य संत ही अब एकमात्र रास्ता हो गए, एक मार्ग हो गए हैं, जो हमारी धरती को बचाने का काम करेंगे। तो कैसे रास्ता निकलेगा, किस तरह से मार्ग निकलेगा, उसके बारे में पूज्य महाराज जी से जानते हैं। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम जी। पूरी मानवता, ऐसा लग रहा है कि एकदम पूरी मानवता एकदम त्राही त्राही करने वाली है, जिस तरह से बांग्लादेश की स्थिति महाराज जी हो रही है। बांग्लादेश की जो स्थिति है जी, उसमें सबसे पहले गलती इंदिरा की थी जी। इंदिरा ने हमारे देश की संपत्ति को जी और हमारे देश की सेना को जी लगाकर बांग्लादेश को स्वतंत्र बनाया। स्वतंत्र बनाने के बाद उसने भारत में विलय नहीं किया, पहली गलती जी, खैर नहीं किया, लेकिन बांग्लादेश के दो टुकड़े करना चाहिए था, एक हिंदुओं के लिए, एक मुसलमानों के लिए। हिंदू अलग कर दिए जाते, मुसलमान अलग कर दिए जाते, सदा सदा के लिए समस्या दूर हो जाती। हिंदू मिलना चाहते भारत में मिलते, ना मिलना चाहते ना मिलते, स्वतंत्र देश रहता उनका, उसमें केवल हिंदू होते और केवल मुसलमान अलग होते। जबकि पुराना अनुभव हो चुका था भारत पाकिस्तान के बंटवारे का, उसके बाद भी वो इंदिरा ने नहीं किया, वो एक साजिश थी, मुसलमानों के पक्ष में था, जो भी था, अब भविष्य देख रही थी, फिर भी नहीं किया जी। इस समय जो ये त्रासदी हो रही है, बीच में भी बहुत हुई, कांग्रेस से तो कोई आशा नहीं थी, मोदी के प्रति, अमित शाह के प्रति, बहुत बड़ी देश को नहीं, विश्व के हिंदुओं की एक किरण थे मोदी और अमित शाह। लेकिन इस बांग्लादेश के कांड में, इस विभत्स त्रासदी में ये सिद्ध कर दिया है, देश का, विदेश का, विश्व का हिंदू वो रो रहा है, और इस समय मोदी और अमित शाह को कोस रहा है जी। उसे उसकी आशाएं टूट गई, क्या जब ये त्रासदी हो रही थी, जब हिंदुओं की महिलाओं से बलात्कार हो रहे थे, वहां के मंदिरों में आग लगाई जा रही थी, वहां के बच्चों को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, फांसी उल्टे टांगे जा रहे थे, क्या एक बार ये नहीं कह सकते थे सीना ठोक कर कि 5 घंटे का समय है, शांत हो जाइए, नहीं मैं तुम्हें नाश कर दूंगा, चौपट कर दूंगा। और दो फाइटर क्यों नहीं घुमा दिए, दो फाइटर केवल घुमा देते, उनकी गड़गड़ाहट से इनकी हालत खराब हो जाती, और नहीं था तो चार पांच घंटे बाद एक बार 10-20 बम गिरा देते वहां पर, मिसाइलें गिरा देते, विश्व देखता, विश्व भयभीत हो जाता, और सीधे कहते हमारे हिंदुओं के संग जहां भी होगा यही हालत होगी विश्व की। अरे जो होना है वो तो होगा, आज युद्ध हो या कल हो, युद्ध आज हो चाहे कल हो, वो तो होना है जी जी। तो उस समय अगर 10-20 मिसाइल वहां गिरा देते जी जी, और वहां पर जब 10-20-50 हजार मर जाते जी जी जी, जैसे भीड़ है, भीड़ पर मिसाइल गिरती जो मरते जी जी, तो एकदम विश्व में हो जाता, हाँ मोदी मोदी मोदी, अगली बार 500 पार करते, 400 नहीं जी, 500 पार करते। अब क्या हो गया,
अब आगे क्या कहेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे हिंदुओं को, हिंदुओं को क्या मुंह दिखाएंगे। बांग्लादेश में तुमने हिंदू, कल हमने देखा तालाब में बेचारा जान बचाने को कूद गया, उसे पत्थर से मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को गला रेत रहे हैं, उन्हें फांसी लगा रहे हैं। वहां के डॉक्टर कह रहे हैं तुम हिंदू हो तुम्हारी इलाज नहीं करेंगे। वहां की सेना कह रही है तुम हिंदू होकर यहाँ रहते क्यों, तुम भाग क्यों नहीं जाते। ये हालत वहां की कोई देखने वाला नहीं, कहीं कोई जगह क्या 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 तुम देख रहे हो हिंदुओं के लाशों पर राजनीति कर रहे हो, हिंदुओं की लाशों पर राजनीति कर रहे हो। इसके लिए तुम आए, तुमको हिंदुओं ने इसलिए भेजा था, चुनके प्रधानमंत्री बनाया या गृह मंत्री बनाया रक्षा मंत्री बनाया, इसलिए बनाया तुम्हारी हत्या कराओगे हमारे हिंदुओं की। हिंदू कहीं भी विश्व में हो, कहीं भी हो, आज यदि कोई मुसलमानों के संग कोई बहुत दूर देश में ऐसी त्रासदी हुई होती, यहाँ मुसलमान भारत का मुसलमान पूरा एक संसद में बैठे हुए हैं, जिन्हें आज विपक्ष कहते हैं देशद्रोही, ये नंबर एक के देशद्रोही हैं। सबसे पहले तो यही इन्हीं को निपटना चाहिए। ये नेता हैं, जब तक इस देश के नेता ये खत्म नहीं किए जाएंगे तब तक कल्याण भी नहीं होगा। ये देशद्रोही आज एक भी नहीं बोल रहे मुसलमानों के लिए, विदेशों के लिए तो सब बोल रहे हैं, बोर्ड पर सब चिल्ला रहे हैं बैठे बैठे। बांग्लादेश के लिए एक भी नहीं बोल रहा, और वो देशद्रोही महानीच जो राहुल कहा जाता है वो हंस रहा है, वो इस पर हंस रहा है। अरे तुम देख 240 थे, वो जब कह रहा था हिंदू हिंसक है तो उन्हें मारा क्यों नहीं संसद भवन में, भाड़ में जाए मर्यादा तुम्हारी, क्या संसदीय मर्यादा है, पकड़ के वहीं मारते, ये मर्यादा है। अगर हिंदू हिंसक होता तो क्या बांग्लादेश में नहीं स्थिति होती, नहीं जिन्होंने मारा नहीं ना जी, ये इनकी गद्दारी है, मक्कारी है। ये अगर दो लड़के उठ के सांसद और उन्हें पकड़ के वहीं संसद भवन मारते, इनके मुंह तोड़ देते, आगे किसी की हिम्मत नहीं पड़ती इस प्रकार बोले जी। आवश्यकता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन मोदी अभी भी देख रहे हैं, इधर जा रहे हैं वहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि अभी भी फाइटर घुमा दें, अभी भी भीड़ के ऊपर 10-20 मिसाइल गिरा देना चाहिए जी जी, और वहां पर तब हिंदू बचेगा। नहीं, अगर बांग्लादेश में 1 करोड़ हिंदू बचा है, 1 करोड़ बचा, फिर भारत में क्यों नहीं लेते उन्हें, जी 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 उन्हें भारत में ले लीजिए, तुम्हें मुसलमानों से ज्यादा प्रेम है उन्हें दे दिए। मोदी की सरकार में हम जब विचार करते हैं, हम भी समर्थक, कट्टर समर्थक जी मोदी के रहे, बीजेपी के रहे, बड़ी आशा से रहे, लेकिन जब देखते हैं आयुष्मान कार्ड बना दिया जी जी, आयुष्मान कार्ड किसके लिए बनाया जी जी जी, हिंदुओं के लिए, केवल मुसलमानों के लिए है, उसमें 6 बच्चों वालों, हिंदुओं के तो एक ही बच्चा होता है जी, जी 2 बच्चे होते हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं, उनके लिए मिलेगा और वो मकान उनके लिए मिलेंगे, सब उनके लिए मिलेगा। हिंदुओं के लिए तुम क्या कर रहे, वोट हिंदुओं से लोगे जी जी जी, वोट हिंदुओं का करोगे मुसलमानों के लिए, मुसलमान तुम्हें कभी वोट दिया न कभी देगा, तुम कुछ भी कर लो कभी नहीं देगा। और कब तक आओगे ये नोबेल पुरस्कार लेने के लिए जी, नोबेल पुरस्कार लेने के लिए तुम हिंदुओं को मरवाओगे जी, क्या भारत सरकार का दायित्व तो नहीं बनता जी, इस समय बांग्लादेश पर आक्रमण कर दे जी, बांग्लादेश पर आक्रमण कर दे दायित्व तो नहीं है जी, कि हमारे पास सेना नहीं है, तुम उन्हीं को लेकर जो हमारे आ रहे हैं उनको लेकर तो अंदर करो, उनमें छांटो तो कौन से हिंदू हैं, कि कम से कम हिंदू हैं अगर तुम्हें डर है कि इसमें मुसलमान और रोहिंग्या आ जाएंगे तो फिर तुम्हारे पास ये फाइटर किसके लिए हैं जी जी, ये जेट किसके लिए मंगाए जी जी, ये आप राफेल किसके लिए मंगाए जी जी, तुम्हारे शत्रु हैं जी जी, इनके लिए क्यों नहीं व्यवस्था करते, ये मिसाइलें क्यों बनाई, क्यों देश का पैसा बर्बाद कर रहे हो, क्या धरने के लिए जी जी, किसके लिए बनाई है जी, इस मानवता पूरी लग रही है कि मानवता शर्मसार हो रही है, और ये संसद में बैठे बैठे हंस रहे जी जी, ये संसद में बैठे बैठे हंस रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, संसद का इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है जी जी जी, अभी कोई बिल लाए देखो जी जी, कोई काम नहीं, अपने ही देश में हिंदू जो है, और हिंदुओं को तुमने इतना दबा दिया जी, इतना दबा दिया वो कुछ कहने के नहीं रहे, कुछ करने के नहीं रहे, आज वो सब भयभीत, आज भारत का हिंदू भयभीत है जी, भारत का हिंदू भयभीत है, सब लोग कहते हैं, मुसलमान कह रहा है कि भारत में भी ये होगा, वो कौन है वाला नैयर, वो भी कह रहा है कि भारत में ये होगा यहाँ होगा, तुम करोगे क्या जी जी, अब तो वो डंके की चोट पे यहाँ पर भी कहने लगे, बड़ी बड़ी कोठियां बना लो, बड़े बड़े मकान बना लो, कल को मैं रहूंगा। अरे कश्मीर में क्या हुआ जी जी जी, कश्मीर में ही तो हुआ, पाकिस्तानी तो आए नहीं, बांग्लादेशी आए नहीं, कोई नहीं आया, वही पड़ोसी यही के, और सरकार मजबूत हमारी थी, यहाँ के लोगों ने ही इनके देखते देखते सारे हिंदुओं को काट दिया गया, सारे सेब के बगीचे खाली करा लिए गए, कोठियां खाली करा दी गई, सब वीरान कर दिया गया, और ये देखते रहे। ऐसे ही आज भारत में लगभग आधा भारत जी, जी मुस्लिम हो चुका है जी, जी मुस्लिम, और ये गद्दार जो बैठे हुए हैं ना, ये पार्टियों वाले विपक्ष से कहते हैं, विपक्ष माने महागद्दार जी जी, महादेशद्रोही
हिंदुओं का शत्रु, हिंदुओं को सोचना चाहिए, इन विपक्ष के विषय में हिंदुओं को सोचना चाहिए, ये हिंदू का चोला उड़ाए हुए कट्टर मुसलमान है जी, जिनके हाथ खून से हिंदुओं के रंगे हुए हैं, वो मुख्यमंत्री बन रहे, प्रधानमंत्री बन रहे और सब बन रहे, क्या होगा जी, जी जी। तो इस समय मोदी के लिए मैं फिर कहता हूँ, आगे आना है, आगे कुछ करना है, पार्टी को जीवित रखना है और अपनी साख बचाना है, तो बांग्लादेश पे आक्रमण कर देना चाहिए जी, तत्काल आक्रमण कर देना चाहिए जी जी। हाँ। हिंदुओं के लिए कि हिंदू समाज सुसुप्त रहता, भक्ति में लीन है। शेख हसीना यही क्यों आई जी, हम भी कहते हैं जी जी, शेख हसीना को भारतीय क्यों अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, जब हम हिंदू हिंसक हैं, जब हमारे हिंदू मारे जा रहे, तो वो यहाँ क्यों आई जी जी, उसे कहीं और मुस्लिम देश में जाना चाहिए था जी जी, पाकिस्तान जानी चाहिए और कहीं जाए, 57 तुम्हारे देश हैं, तुम अपने देश में जाओ ना, यही आई जी, जी। ये भी एक कारण है, कारण है कि जो वहाँ पर हिंदू ज्यादा काटा जा रहा, काटा जा रहा, ये भी, और जे अभी भी बैठे हुए, अभी भी एक बयान भी इतना दिया इन मूर्खों ने जी जी जी, एक बयान दिया होता कि मैं आक्रमण कर दूंगा, मैं एटम बम डालूंगा तुम्हारे ऊपर, एक बयान दिया होता इन्होंने संसद भवन से या वैसे प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, तो शायद हमारी बहू बेटियां इस प्रकार से वहाँ दुर्दशा उनकी नहीं होती, हमारे बच्चे मारे नहीं जाते जी जी, और वीडियो जो भी देख रहे जी, जो वीडियो आ रहा है ये भी, न्यूज जो भी सुन रहे, सारे टीवी चैनल वाले कह रहे हैं ये भी देख रहे हैं जी जी जी, ये कर क्या रहे जी जी, ये कर क्या रहे हैं, हमारा प्रश्न कर क्या रहे जी जी, क्यों इन्हें वोट दिया जाए जी जी जी। हाँ, सोचने के लिए एक बार मजबूर होगा हिंदू समाज। अच्छा, फिर मैं तो भारत के अब युवाओं से कहूंगा जी जी, जो युवक हैं भारत के जी जी, उनसे ये बात कहूंगा जी, इस समय जी आवश्यकता है जी एक कंठी बांधने की, नहीं जी 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 जी, ये इस कंठी बांधने की आवश्यकता नहीं है जी, इस समय आवश्यकता है अपनी फुल तैयारी की जाए जी जी, फुल तैयारी किसी भी दिन जब ऐसी स्थिति आए जी जी जी, तब अभी भी तुम लगभग 80 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ जो भी हो जी जी, तबला बाजे धीन धीन, तब एक के ऊपर तीन जी जी, एक करना पड़ेगा जी, और नहीं ऐसे कटते चले जाओगे, एक एक प्रांत कटता चले जाएगा जी जी जी। यहाँ भी अगर योगी ना होते जी जी, हम कहते उत्तर प्रदेश में अगर योगी ना होते जी जी, तो बांग्लादेश वाली हालत होती जी जी, योगी कारण बची हुई है जी जी जी, केवल योगी कारण बची हुई है जी जी जी। तो इसलिए समाज को, हिंदू समाज को जगना होगा, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, अपनी आत्मशक्ति को जगाएं। हमारे यहाँ बलि प्रथा थी, प्रथा नहीं वैदिक विधान था जी जी, जो लोग कहते हैं कि वो बकरे क्यों कटते जी, वो मुर्गे क्यों कटते जी, वो हमारे क्षत्रियों के लिए था जी, बलि मांसादि पूज्ययम जी जी। अरे भाई, अच्छे जो सात्विक तपस्वी ब्राह्मण है उनके लिए वर्जित है जी जी जी, न कि क्षत्रियों के लिए जी, न कि सैनिकों के लिए जी, सैनिकों के लिए तो मदिरापान भी है जी जी, हाँ, उन्हें आवश्यक है इस कंडीशन में रहते हैं, उन्हें वो भी है, उनके लिए मांस भी है, उनके लिए इत्यादि और भी चीजें हैं, सबको तुम जो कह दो कि नहीं नहीं करोगे तो क्या बनाओगे, नपुंसक बना रहे हो, देश को नपुंसक बना रहे हो जी जी। नचनिया आजकल क्या फैशन चली, देखो जहाँ देखो लड़के मटक रहे हैं, लड़कियां मटक रही हैं, केवल ये क्या मटकना, बहुत तेजी से चली आ रही है, लड़कों को लड़कियों को मटकना सिखाया जा रहा है, नाचना सिखाया जा रहा है, और मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जो मंदिर तोड़े जाने की अपेक्षा भी जी, मंदिरों की अपेक्षा भी जो बच्चे मारे जा रहे हैं, जो लड़कियों से, कल हमने देखा एक लड़की को 5-6 लोग उठा के जबरदस्ती टांग के ले जा रहे हैं, बच्ची को वो चीख रही है, उसे गाड़ी में डाल रहे हैं जी, ले जाके, ये जो हो रहे हैं इसके लिए सरकार का दायित्व तो है, सरकार का पहला दायित्व तो है जी, कि सरकार इस समय जी आक्रमण कर दे बांग्लादेश में जी जी, और कड़ी चेतावनी दे आक्रमण बाद में, कड़ी चेतावनी दे और 2-3 घंटे की ज्यादा नहीं जी जी जी, और उसके बाद जो करना है वो कर दे जी, आगे अगर हिंदुओं की रक्षा चाहती है, देश की रक्षा चाहती है, देश को सुरक्षित चाहती है, तो ये करना पड़ेगा, और जैसा योगी और हेमंता है, हेमंता बिस्वा सर्मा, ऐसे मुख्यमंत्री लाए, ये नपुंसक नाचने गाने वाले मुख्यमंत्री लाके जो कोई काम नहीं होगा जी जी, जो मुख्यमंत्री अभी नहीं ले आए इनसे कोई काम होने वाला नहीं जी जी, काम होगा योगी जैसे मुख्यमंत्री, और नहीं मोदी तुम बूढ़े हो गए, छोड़ो यार योगी को बढ़ाओ आगे जी जी जी, छोड़ो उसे प्रधानमंत्री बनाओ जी जी जी, उसका अभ्यास दो, जो अमित शाह क्या करेगा जी जी जी, आज अगर हिम्मत थी तो कुछ करता ना बांग्लादेश में जी, बांग्लादेश में कुछ बोल नहीं रहा जी जी, इतना अत्याचार देखने पर भी जी, और हिंदू 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 काहे कि तुम्हें हिंदू वोट देगा, क्यों वोट देगा नहीं, स्थितियां महाराज जी बहुत से बदतर हैं, और मुझे लग रहा है कि मैं रोना आता है, रोना आता है, जब टीवी देख लूं तो रोना आता है, कोई वीडियो देख लूं रोना आता है, बांग्लादेश की हालत देख जी, जो वहां दुर्दशा हो रही हिंदुओं की जी जी, वहां जो दुर्दशा अगर पाकिस्तान में हो रही है चलो ठीक है जी, वो देश भाग है,
तुम नहीं बोले, तूने मरवा दिए कश्मीर में, मरवा दिए, अब तुम यहाँ मरवा रहे हो। ये तो सब मोदी को पड़ जाएगा। बांग्लादेश का जो त्रासदी है इसके कारण मोदी बनेंगे जी। अजय बोल नहीं रहे। देखिए आज महाराज जी का जो भाव है वो बहुत आक्रोशित भाव है, और वो इसलिए क्योंकि संत निष्पक्ष होते हैं, संत निर्विवाद होते हैं, संत के अंदर कोई कपट कोई छल नहीं होता, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ देश और धर्म, देश और धर्म के प्रति उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, देश और धर्म को बचाने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अगर भारत बचा है, थोड़ा बहुत बचा है, तो ऐसे ही पूज्य संतों के लिए, क्योंकि ये प्रखरता से बोलते हैं, निष्पक्ष होकर बोलते हैं, बिना भेदभाव के बोलते हैं, और केवल केवल मानवता के कल्याण के लिए, जहां पर मानवता आहत होती है, जहां पर मानवता को तार तार किया जाता है, तब पूज्य महाराज जी के शब्द जो है एकदम आंसुओं के साथ निकलते हुए दिखाई देते हैं। आज जो शब्द और जो आक्रोश दिखाई दिया है पूज्य महाराज जी का, पहली बार ऐसा दिखाई दिया, हालांकि देश और धर्म पर बहुत खुलकर बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम सबके नजदीक मौत आती जा रही है, तो वैसे पे महाराज जी का ये कहना है कि बस सीधे आक्रमण करो, क्योंकि एक दिन मौत तो आनी आनी है। कम से कम ये मानवता की जो त्रासदी हो रही है, ये इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी त्रासदी हो रही है, कम से कम इस त्रासदी को तो बचाया जाए। पूरा विश्व मौन है, पूरे विश्व के लोग मौन है, अगर आप नहीं बोलोगे, आप नहीं कहोगे तो कौन करेगा? आप आक्रमण नहीं करोगे, उनको दहशत में नहीं लाओगे तो बोलेगा कौन? तो इसलिए जरूरत है, जैसा पूज्य महाराज जी ने का किया है, कहा है, उस आदेश को पालन करने का, क्योंकि ये संत की वाड़ी साधना की वाड़ी है, तपस्या की वाड़ी है, वर्षों वर्ष तक पूरा जीवन पूज्य महाराज जी ने इसी कल्याण के लिए निभा दिया है, और आज अंतिम वचन कह रहे हैं कि बस रक्षा करो, देश की रक्षा करो, और अंत में यही कहना है सनातनियों से, यही कहना है सनातन के भक्तों से, कि आप अगर आज नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी।